Now, another small topic is parity bit. Now, what is this parity bit? Parity bit is also known as check bit, right? फॉर एग्जाम्पल हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डेटा सेंड कर रहे हैं ऑन द नेटवर्क. अब कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर ए है, फॉर एग्जाम्पल ए कंप्यूटर है, उसे बी कंप्यूटर के ऊपर कोई डेटा सेंड करना है. कौन सा डेटा है? 1101, राइट. अब उसे ये 110, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, उसे कहाँ पे सेंड करना है? बी कंप्यूटर के ऊपर उसे सेंड करना है. अब वो नेटवर्क के ऊपर वो ये सारे डेटा जाते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क के ऊपर जाते जाते नेटवर्क के अंदर डिस्टर्बेंस आया, राइट. और बी कंप्यूटर के पास पहुंचते पहुंचते फॉर एग्जाम्पल डेटा बन गया 10011. मतलब ये जो वन था वो डिस्टर्बेंस आने की वजह से क्या चेंज हो गया? जीरो. अब क्या होगा? बी को तो मिलना चाहिए 11011, लेकिन उसे क्या मिला? 10011. इट मीन्स कि उसे गलत डेटा मिले. अब बी जो प्रोसेसिंग करेगा, बी कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करेगा, वो तो गलत प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट भी गलत आएगा. क्यों? बिकॉज ए ने तो बराबर इनपुट देने के लिए डेटा भेजा था, लेकिन नेटवर्क के अंदर डिस्टरबेंस की वजह से वो डेटा चेंज हो गया, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन? बी गलत प्रोसेसिंग करेगा और उसे गलत आउटपुट मिलेगा. लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए हम पैरिटी बिट का यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज चेक बिट, राइट. अगेन आई रिपीट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज चेक बिट. Now, what will be the scenario? What is parity bit? It is a bit added to a string of binary code. मतलब अगर मुझे ये डेटा सेंड करना है तो मैं एक एडिशनल बिट ऐड करूंगी ताकि मैं ये डेटा को डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर चेक कर सकूं कि वो डेटा सही है कि नहीं है. Right, so this additional bit which I will add with this data is known as parity bit, or it is also known as check bit. That's why it is also known as error detecting code. Again, I repeat, that's why it is also known as error detecting code. Error ko detect karne ke liye kaam lagta hai. Again, I repeat, error ko detect karne ke liye kaam लगता है, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज द थिंग? पैरिटी बिट क्या चेक करेगा? कि टोटल नंबर ऑफ वंस है, अगेन आई रिपीट, टोटल नंबर ऑफ वन की बिट्स है वो आइदर इवन होगी या फिर ऑड होगी. सो वी कैन से कि पैरिटी बिट्स के टू वेरिएंट्स है, मतलब टू टाइप्स है, इवन पैरिटी बिट एंड ऑड पैरिटी बिट. अगेन आई रिपीट, पैरिटी बिट के टू वेरिएंट्स है, दैट इज टू टाइप्स है, इवन पैरिटी बिट एंड ऑड पैरिटी बिट, राइट. अब अगर हम इवन पैरिटी बिट की बात करें, इट मींस कि वो क्या चेक करेगा कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए. और अगर हम ऑड पैरिटी बिट की बात करते हैं तो वो क्या चेक करेगा कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए? ऑड होने चाहिए. इट मींस अगर हम इवन पैरिटी बिट की बात करते हैं, राइट. सो व्हाट विल बी द सिनेरियो? सी, यही सेम एग्जांपल देखते हैं. हम यूज कर रहे हैं इवन पैरिटी बिट, राइट. इवन पैरिटी बिट इट मींस कि ये जो सीक्वेंस हम बनाएंगे उसमें टोटल ये जो नंबर ऑफ वंस है वो कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए, राइट. अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, पहले से इवन है, राइट. तो हम ये जो एडिशनल बिट ऐड करेंगे ना, वो यहाँ पे हम जीरो ऐड कर देंगे. इट मीन्स अब ये डेटा जाएगा बी के ऊपर. बी के ऊपर क्या जाएगा? 110110, इस हिसाब से डेटा जाएगा. लेकिन बी तक पहुंचते पहुंचते डिस्टर्बेंस आया और ये जो वन था वो क्या हो गया? जीरो. तो बी को अब क्या मिलेगा? 100110. इट मीन्स अब उसे पता चलेगा कि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है, राइट. चेंज हो गया है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो मुझे डेटा मिला है वो गलत डेटा मिला है, बीच में वो चेंज हो गया है.
अब बी क्या करेगा, बी ए के पास से फिर से नया डेटा लेगा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और उसे अच्छी तरह से एक्यूरेट आउटपुट मिलेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ के इवन पैरिटी बिट कैसे वर्क करेगा। अब देखते हैं, अगर हम इवन पैरिटी बिट की जगह पे ऑड पैरिटी बिट यूज करते हैं, दैट इज ऑड पैरिटी बिट का हम एग्जांपल देखते हैं। क्या करना है, ए से डेटा जाता है, बी को डेटा मिलता है। अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा डेटा क्या है जो मिलना चाहिए बी को, दैट इज 11011, इट इज द एक्चुअल डेटा। हम यहाँ पे एक एडिशनल बिट ऐड करेंगे। अब हम ऑड पैरिटी बिट का यूज कर रहे हैं, इट मींस ये जो पूरा नंबर बनेगा उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, लेकिन हमारे एग्जांपल में कितने हैं, 1 2 3 4 इवन है, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वन ऐड कर देंगे। अब हम टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे ना, तो वो कितने हुए, 5 हुए। अब ये डेटा जाएगा बी के पास। नाउ अगेन द सेम सिनारियो, बी के पास जाते जाते ये टोटल नंबर ऑफ वन में से ये जो एक वन है वो चेंज हो गया। अब क्या होगा, लेट्स सी, 100111, ये डेटा मिलता है बी को। इट मींस बी को मिला 100111, कितने वन है, 1 2 3 4, लेकिन कितने होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वन होने चाहिए, 4 तो इवन हो गया। इट मींस कि बी को पता चला कि यहाँ पे नंबर ऑफ वन चेंज हो गए हैं। इट मींस बी को पता चल गया कि ये डेटा में तो एरर है। अब बी क्या करेगा, ये डेटा को यूज नहीं करेगा, बी ए के पास से दूसरा डेटा लेगा, उसे सही डेटा मिलेगा तो उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेगा और वो आउटपुट जनरेट करेगा। नाउ ओवर हियर वन थिंग वी नीड टू रिमेम्बर इज, बी डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये एडिशनल बिट यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ ये एक्चुअल डेटा ही लेगा उसको प्रोसेस करने के लिए। बिकॉज ये जो एडिशनल बिट थी वो तो सिर्फ हम ये चेक करने के लिए यूज करते थे कि ये डेटा सही है कि गलत है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि अगर हम नेटवर्क के ऊपर डेटा सेंड करते हैं तो वो डेटा सही है कि गलत है उसे डिटेक्ट करने के लिए, राइट? उसे डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी बिट इज वन ऑफ द टेक्निक। अगेन आई रिपीट, इट इज वन ऑफ द टेक्निक। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है कि जिसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमें जो डेटा मिला है वो सही है या फिर गलत है, राइट? सो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू द पैरिटी बिट टॉपिक।